हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड के द्वारा जो इंग्लिश का पेपर वायरल किया गया है, इस पेपर का आप सभी को हल बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस पेपर को आप 4 मार्च को जाने से पहले आप इस पेपर को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मैक्सिमम सवाल देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसे स्किप करके मत जाइएगा। फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है, उसमें से मैक्सिमम सवाल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, तो 4 मार्च को पेपर देने से पहले इस पेपर को आप एक बार जरूर देखिए, ठीक है। देखिए, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जो इंग्लिश का पेपर वायरल किया गया है, ये आपके 2024 का और क्लास 10 का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपका जो समय है 3 आवर 15 मिनट का संपूर्ण समय प्रत्येक पेपर में मिलता है, ये सभी तो आपको पता है। और जो ये इंग्लिश का पेपर रहेगा, टोटल 70 नंबर का रहता है। और देखिए, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो आपको पहले से बता चुके हैं, लेकिन एक बार और बता देते हैं जिससे आपको इसके बारे में नॉलेज हो। पहला क्या है कि आपको जो 15 मिनट रहता है, ठीक है, देख 15 मिनट रहता है, आपको क्या करना रहता है कि 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। और इसमें दूसरा इंस्ट्रक्शन में सभी जो कितने भी ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होता है, यानी सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। ये जो प्रश्न पत्र इंग्लिश का है, आपको 2 पार्ट में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी में 2 भागों में बटा रहता है। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ये आप सभी को पता है, और प्रत्येक एक एक नंबर का रहता है, ठीक है। पांचवा इंस्ट्रक्शन है कि जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, उसे आपको ओएमआर शीट पर आपको क्या करना रहता है, हल करना रहता है। और जब ओएमआर शीट एक बार भर देंगे, तो उसको क्या करना है, ना इरेजर का प्रयोग, न उस पर कट किसी प्रकार का लगाना, ना वाइटनर का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग कदापि आपको नहीं करना रहता। इसीलिए जब ओएमआर शीट भरिएगा तो बहुत ध्यान से भरा जाता है। पार्ट बी में जो होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसे आपको अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखना होता है। अगला इंस्ट्रक्शन है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसका क्या है कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है, इंडिकेट किया रहता है, लिखा रहता है, ठीक है। ये तो कुछ इस जनरल इंस्ट्रक्शन था जिसे आपको जानना अनिवार्य है। अब यहाँ से देखिए, आपका स्टार्ट होता है पार्ट ए। पार्ट ए में क्या रहेगा, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो इंस्ट्रक्शन पहले से बताया जा चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर थर्ड तक आपको इस पैसे से संबंधित आपको आंसर बताना रहेगा। तो चलिए, आपको देखिए पैसे से आंसर निकालने का तरीका आपको बहुत सिंपल तरीका से सिखाने वाले हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, जिसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको जो पेपर मिले, तो आपका इसका मतलब समझ में आए कि यहाँ पे क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। यानी कि यहाँ पे जो पैसेज दिया है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस पे आधारित आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको देना है। देखिए, ये आपके सामने जो पैसेज रहता है, तो पैसेज को पहले मत पढ़िएगा, पहले आप क्वेश्चन पे चले आइएगा। देखिए, आपके सामने जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर उसमें से निकालने का प्रयास कीजिए। आपको बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिया है वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ़, ना मतलब एक साउंड जो हमारे सुनने योग्य नहीं होता, इसका मतलब ये है। तो आपको हिंदी भी जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखिए आप ऑप्शन में से आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइजी, यहाँ पे दिया ए एंड बी, ठीक है। तो आप ये पैराग्राफ को नहीं भी पढ़ेंगे तब भी पे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको पैसेज में से निकाल के आंसर बताते हैं कि आप आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए, जब इसे पढ़ेंगे, लिखा है कि दिस इज़ ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न डैट इन ऑल मैटर द टू एक्सट्रीम आर अलाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर वेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो। देखिए स्लो, ठीक है, स्लो और लाइट, यहाँ 2 शब्द दिया है। फिर इसके बाद आगे पढ़िए कि वी डू नॉट सी देम नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड। देखिए इस शब्द को भी पकड़िएगा, आपको आंसर अभी पता चलेगा। सो विथ साउंड वेरी लो, देखिए यहाँ पे वेरी लो दिया है ना, वेरी लो पिच वी डू नॉट हियर इट वेन वेरी हाई, देखिए 2 शब्द मिल गया। लो यानी बहुत लो बोलते हैं या बहुत हाई बोलते हैं, तो सुनने योग्य नहीं होता है, यही 2 शब्द पकड़िए आप इस ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे दिया इट इज़ लो,
इट इज़ हाई, दो शब्द मिल गया ना, और यही आपको पैसेज में दिया भी है। इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर आधारित अगले प्रश्न को बताते हैं। अगला क्वेश्चन पैसे से संबंधित पूछा है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, इसका क्या यहाँ पे अर्थ है। तो पहले पैसेज में इसको खोजिए कि ये दिया कहाँ पे है, फिर इसमें ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के उसका आंसर दीजिएगा। देखिए, एक्सट्रीम पॉजिटिव बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव है, या एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, दोनों में से कोई अच्छा नहीं है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम, देखिए यहाँ पे सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, या ऑल ऑफ द एबव। चलिए पैसेज दिखाते हैं आपको। देखिए, जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा टू एक्सट्रीम अलाइक, यही दिया है ना, यही प्रश्न भी पूछा है कि टू एक्सट्रीम अलाइक। अब आगे पढ़िए, द एक्सट्रीम जैसे पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज, देखिए यहाँ पे मिला है आपको शब्द ऑलवेज सिमिलर, माने एक समान होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर या सेम। जहाँ पे ये शब्द मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए, जब ऑप्शन देखें तो सी वाला ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम, वहाँ सिमिलर दिया है, सिमिलर मतलब सेम होता है, और यहाँ पे सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में क्या होता है, एक समान होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर का, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, यानी स्लो का अपोजिट बताना है। तो आप सभी को स्लो का पता है, स्लो मतलब क्या होता है, धीमा होता है, धीमा होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब विपरीत क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और इसमें तेज का बताइए क्या होगा, तो देखिए रेजिस्ट रैपिड लेजी स्ट्राइक, तो तेज का क्या होता है, रैपिड माने होता है तेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, देखिए एक एक नंबर का सब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आई डियर विथ माई पेरेंट, अब यहाँ पे दिया है विल गो वेन हैड गॉन ऑल ए बी एन सी आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे है कि आई मतलब मैं अपने माता पिता के साथ जाऊँगा या गया या जा चुका हूँ, यानी तीनों यहाँ पे शब्द जो है विल गो भी भर सकते हैं, वेंट भी भर सकते हैं, हैड गॉन भी भर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 5वां नंबर का, If you want to know about new things you are, इसका मतलब होता है कि यदि तुम किसी नई वस्तुओं के बारे में जानने की इच्छा रखते हो, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जानना, जब किसी चीज़ को आप जानने की इच्छा रखते हो तो उसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा, और जिज्ञासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूरियस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है कि जानने की इच्छा रखने वाला, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, क्यूरियस। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब 5वां का डी वाला ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और 4 मार्च से जाने से पहले इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको यहाँ पे जो दिया है रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखिए जब इस प्रकार से जब भी देगा तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना रहता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आता है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के बाद तुरंत आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना चीज रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज दिया है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए माई ट्वाइस तो कोई आपका सब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसी तरह इसको ऑप्शन में से निकाल दीजिएगा, ब्रदर सिर्फ केवल ब्रदर तो होगा नहीं, इसलिए कि आपके साथ में माई ब्रदर होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। देखिए यहाँ पे दिया है माई ब्रदर हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में तुरंत दे दिया है आपका वर्ब के बाद दिया है आपका ऑब्जेक्ट, अदर शब्द दे दिया है, तो माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से रीअरेंज करना रहता है आपको, ठीक है, तो सेंटेंस को इस तरह आप रीअरेंज करके जरूर बोर्ड के एग्जाम में लगाइएगा। ठीक है, देखिए आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी मिस स्पेल्ड इसमें से बताना है कि कौन से इसमें मिस स्पेल्ड है, यानी अलग है इन तीनों में, मतलब 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा अलग है। तो एबंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, एक्वटेंस, देखिए सबके साथ में लास्ट में
ये आ रहा है ना टेंस टेंस, लेकिन इसमें क्या डेंस आ रहा है, तो इससे आप क्या इसको अलग कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह मिस स्पेल्ड है। ठीक है, अगला देखिए आठवां नंबर का क्वेश्चन, ही जम्प्ड खाली सा द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, यानी कि कहने का मतलब कि वह लड़की को बचाने के लिए कुएं में कूदा। यहाँ भी ध्यान दीजिए कि यहाँ प्रीपोजिशन भरना है, जब कोई बाहर से अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पे आपका हमेशा प्रीपोजिशन जो लगता है इनटू लगता है, तो जम्प्ड के साथ अब याद रखिएगा कि आप हमेशा इनटू लगाइएगा। क्या लगाना है प्रीपोजिशन में, इनटू, जब भी आपको जम्प्ड मिले उसके साथ में आप क्या लगा दीजिएगा, इनटू लगा दीजिएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, अगर 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, ठीक है, रीड द पैसेज गिवेन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे पैसेज दिया है, पैसेज से संबंधित आपको 9 और 10 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन इस पे आधारित पूछा है। ये आपका बुक का पैसेज है, आप बुक पढ़े होंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, फिर भी आपको पैसेज सामने दिया है तो पैसेज से आप आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद पैसेज को पढ़ा जाएगा, फिर इसके बाद आंसर निकाला जाएगा। इन अनेज पोयम द डकलिंग एंड फादर स्वयं सिंबलाइज्ड, ठीक है, अब देखिए चलिए पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज में देखते हैं कि कहाँ पे क्या दिया है। आई फिनिश माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ठीक है, एंड ए फादर स्वयं, देखिए मिला ना फादर स्वयं, विद थ्री बेबी डकलिंग हु वियर बिटेन टू डेड बाई द फादर बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच लकिंग मिस्टर किसिंग। देखिए शब्द मिला और ऑप्शन में यही मिस्टर किसिंग खोजिए दिया कहाँ पे है, तो देखिए मिस्टर किसिंग देखें सिर्फ एक ही जगह मिलेगा मिस्टर किसिंग, और ये अन्य तो आपको इस क्वेश्चन से मिल जाएगा, तो यहाँ पे अन्य, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्य एंड मिस्टर किसिंग यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 10वां नंबर का, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड अन्य एक्स्ट्रा होमवर्क ईयरली बिकॉज ना, मिस्टर किसिंग जो है एक्स्ट्रा होमवर्क जो अन्य को असाइनमेंट के रूप में क्यों दिया था, तो आप सभी को पता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लासरूम में बात करती थी, इसीलिए क्या दिया जाता है उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया था ना। तो आप यहाँ पे पैसेज को पढ़ के भी निकाल सकते हैं कि देखिए टूक द जोक द राइट अवे ही रीड द पोयम टू द क्लास, देखिए टू द क्लास मिला, एडिशन हीज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल एज सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड माई एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब टॉक, यानी कि जो क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करेगा उसे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा बात करेगा उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक, ये टॉक शब्द खोजिए और टॉक शब्द से आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए किसी भी तो हमें आपको ऑप्शन में टाक नहीं मिलेगा, जो मिलेगा कहाँ पे आपको टाक यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अन्य टाक टू मच इन क्लास, ठीक है, इन द क्लास, इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है, उस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया आपको आंसर देना है। जैसे देखिए 11 नंबर का जो है, देखिए आपका क्वेश्चन जो है मंडेला पास्ट, ठीक है, ईयर इन जेल, यानी मंडेला ने जेल में कितने वर्ष तक व्यतीत किया था ना, बिताया था, तो मंडेला के बारे में आप सभी लोग पढ़े होंगे तो आप सभी को पता है कि कितने वर्षों तक जेल में थे, तो ये 27, कितना 27 वर्षों तक, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 27, इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देखिए आप 12 नंबर का, कि यहाँ पे महासीर इज ए फाउंड इन कुर्ग, यानी महासीर कुर्ग में क्या पाया था, तो महासीर आप सभी को चैप्टर पढ़े होंगे तो पता है कि महासीर कुर्ग में एक फ्रेश वाटर पाया था, क्या पाया था, एक फ्रेश वाटर, ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़िए कि ए लार्ज फ्रेश वाटर, ठीक है, अगला है कि स्मॉल फ्रेश वाटर, ए स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश या लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएट, तो आपको क्या बताया है अभी कि एक लार्ज फ्रेश वाटर पाया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश ना, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर का, कि द बस कंडक्टर वाज ए मैन, ये भी आपका बुक का है, ठीक है, कि एक बस कंडक्टर एक आदमी था, कैसा आदमी था, रूड था, जोली था, सेल्फिश था या स्ट्रेंज था, तो ये क्या था, जो बस कंडक्टर था एक जोली मैन था, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए
14 से 15 नंबर का। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, अब इसको पढ़ के इसका आंसर यहाँ पे देना है। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी अमांडा को मना किया जाता है कि अपने नाखूनों को मत काटे। डू नॉट हंच योर शोल्डर अमांडा, ठीक है। स्टॉप डेड स्लचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा, यानी अमांडा को कौन मना करते हैं, ठीक है। अमांडा जब से आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें इस वाक्य को किसने कहा है, देखिए यहाँ पे पूछा है 14 नंबर का क्वेश्चन जो है कि हु इज स्पीकर इन द एबव लाइन, जो ऊपर लाइन बोला गया है इस लाइन को किसने बोला है, तो अमांडा को उसके माता पिता ही बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमांडा को किसने बोला था, उसके माता पिता, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर पेरेंट्स हो जाएगा। कि ये लाइन जो ऊपर बोला गया है किसके द्वारा बोला गया है, तो ये बोला गया था उनके माता पिता के द्वारा, था हर पेरेंट्स हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, ना स्पीकर जो है जो ऊपर वाली लाइन को बोला गया बोल रहा था क्यों बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए अमांडा इज एन अनरूली गर्ल थी, इसलिए अमांडा रिमेन अनटाइडी थी, या इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, यानी ये इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है अमांडा के बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए बोला गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आप, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी आपके सभी बुक के क्वेश्चन है कि इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकिंग ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि मिस्टर पम्फ्री डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, या ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, या मिस्टर पम्फ्री सेंट ए लॉट ऑफ टेबल डेट द डॉक्टर इंजॉयड। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर का कि अनिल टाट हरी सिंह, ना अनिल हरी सिंह को टाट मतलब सिखाया, ठीक है। अनिल हरी सिंह को क्या सिखाया था, देखिए कुक एंड राइट सिखाया था, कुक राइट एंड एड नंबर सिखाया था, या राइट सिखाया था, या कुक एंड एड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए अनिल जो था, हरी सिंह जो था, उसको क्या क्या सिखाया था, तो कुक राइट और एड नंबर करना सिखाया था। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सभी आपके बुक के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर, ठीक है। जो किताब उसके माता जी के द्वारा गिफ्ट के रूप में दिया गया था, तो उसमें क्या था, ट्रेवेस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में था, हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में, या ट्रेवेस ऑफ बटरफ्लाइज, या ट्रेवेस ऑफ मोनार्क एक्स के बारे में था, ठीक है। तो क्या यहाँ पे था, तो यहाँ पे आपका था कि जो उनके माता पिता के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया था, तो उसमें था कि ट्रेवेस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में उसमें कहा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला देखिए 19 नंबर का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, ये भी आपका बुक का है, मटिल्डा के बारे में है। रिच ब्यूटीफुल फैशनेबल थी, फैशनेबल एम्बिटियस मिडिल क्लास की थी, या इसके अलावा एम्बिटियस मिडिल क्लास सेटिस्फाइड, या रिच डिससेटिस्फाइड एम्बिटियस थी। तो मतलब क्या था, यहाँ पर यह फैशनेबल एम्बिटियस और मिडिल क्लास की मटिल्डा थी। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन है यह भी आपके बुक का है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, यानी भोली स्कूल सेंट मतलब, यानी कि भोली के बारे में यह है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, हर फादर फेल्ड कंप्लीट टू डू सो होगा, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेट होगा, या एवरीबॉडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, या इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बुक के सभी क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ पार्ट बी स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है, और इसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। अब यहाँ पे लिखा है कि वेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, तो आप सभी को पैसेज से आंसर निकालना बता चुके हैं। देखिए इस पे आधारित आपसे 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। देखिए होम डज द
स्टैट्यू ऑफ लाइब्रेटरी रिप्रेजेंट, यानी स्टैचू जो है किसको लाइब्रेटरी रिप्रेजेंट करता है ना, जो लाइब्रेटरी रिप्रेजेंट का जो स्टैचू है किसको प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप इस शब्द को खोजिएगा, जहाँ पे मिलेगा उस पूरे लाइन को उधार दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन, जो अंडरलाइन पोर्शन इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसके आगे का लाइन वाला सभी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप उधार दीजिएगा, पूरा करेक्ट आंसर होता है वो, आपका गलती नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देखिए कि हाउ डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, तब इसको इस लाइन को आप पैराग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खोजिएगा, जिस जहाँ पे पैराग्राफ में मिलेगा लाइन उसके आगे वाला एक लाइन पूरा एकदम एक दो लाइन उतार दीजिएगा, एकदम दो नंबर इस पर पूरा मिलेगा आपको। तो आपको पैसेज से आंसर निकालना सिखा चुके हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे ये पैसेज बता रहे हैं कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मीनिंग क्या होगा आपको, ये आपको बताना रहता है। इसके अलावा देखिए आपके क्वेश्चन जो है आगे इन सभी क्वेश्चनों को भी साथ में तैयार करना है आपको। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लाइव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, यानी यहाँ पे आपको लेटर तैयार करना है, ठीक है, चार नंबर का ये लेटर रहेगा। या इसके अलावा में आपको एक एप्लीकेशन लिखना रहता है, तो चाहे आप लेटर बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा, लेटर लिखने आता तो लेटर लिखिएगा, या एप्लीकेशन लिखना होगा तो एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका बहुत सिंपल तरीका से सिखाएं, अभी तक नहीं देखें जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, तो आप एप्लीकेशन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर किस चीज़ पर पूछा है कि आपके जो स्कूल है उसमें कंप्लेन द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलर, यानी कि जो वाटर टैंक आपके स्कूल में लगाया गया है उसको रेगुलर क्या सफाई नहीं हो रहा है, उस पर आपको कंप्लेन के तौर पे एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को अपने लिखना है, इस पर आपको तैयार कर लेना है एक एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100 वर्ड्स में लिखना है, टोटल 6 नंबर का रहेगा। यहाँ पे कुछ हिंट्स दिया रहता है, हिंट्स देने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है फ्रेंड्स। कैसे मिलता है कि देखिए आपको हेडिंग के तौर पे सही बना लेना, जैसे वेन बना लीजिए या इन अग्रेशन बना लीजिए, सेरेमनी बना लीजिए, सिर्फ ये जितने भी दिए हैं आपको हेडिंग के तौर पे बना के इसके बारे में एक एक दो दो लाइन बस लिखना रहता है, ठीक है। या ये नहीं लिख पाते हैं तो अथवा, देखिए नीचे भी दिया है अथवा में कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो ये पिक्चर दिया है इस पिक्चर को देखना है, जैसे इंटरनेट के बारे में दिया है, इंटरनेट के बारे में आप लिखना, आपको एक रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक रिपोर्ट लिख दीजिए, और देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट दिया है और ये सब इसके बगल में जो शाखाएँ निकली है इसी को क्या करना पड़ेगा, आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा। जैसे सोशल अल्टरनेशन बना दीजिएगा, साइबर क्राइम क्या होता है बनाइए, इसके बारे में एक दो लाइन लिख दीजिएगा, इंटरनेट एडिक्शन क्या होता है, ऑनलाइन कोर्स क्या होता है, ठीक है, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग, तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं, बस इस इंग्लिश में एक एक दो दो लाइन हेडिंग बना के आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ये टोटल 6 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए इसके सामने आता है फिर ग्रामर से संबंधित, देखिए इसको आपको हल करा देते है ना। देखिए क्या है आपका चौथा नंबर का कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी यहाँ पे जो दिया है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करके आपको बताते हैं कि इसको आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ये टोटल दो नंबर का रहता है, लिखना सिर्फ एक लाइन रहता है। देखिए कैसे लिखेंगे, द बॉय सेड टू द टीचर, ठीक है, प्लीज गिव मी वन डेज लीव। अब इसको क्या करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होगा, यहाँ पर लिखिएगा द बॉय, ठीक है, द बॉय लिखे। देखिए जब यहाँ पे आपका प्लीज शब्द रहेगा तो यहाँ पे सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड लगाना रहता है, जब प्लीज रहता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड लगाइएगा, तो लिखिएगा आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, रिक्वेस्टेड, और जैसे ये लिखा है द टीचर तो द टीचर लिख लीजिएगा, द टीचर। अब देखिए ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर टू लगाया जाता है, इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड हटाना है तो टू लगाइएगा, टू लगाने के बाद प्लीज को हटा दीजिएगा, हटाने के बाद जैसे ये लिखा है इसी तरह आपको उतारना है गिव
जी बता रहिएगा। यहाँ पे देखिए जो ये लिखा है फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो बॉय के अकॉर्डिंग इसके स्थान पे क्या लगेगा, मी के जगह हिम लगा दीजिएगा हिम, और इसे वन डे जैसे उत्तर उतार दीजिए वन डेज लीव लीव, इस तरह आप उतार दीजिएगा। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, इसको आप एक बार चेंज कर लीजिएगा। अब प्लीज वाला जरूर पढ़ के जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके 100% आएगा, जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको तो एकदम तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ये पेपर में 100% आएगा। अब देखिए अगला नंबर है बी वाला का, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ये भी अब इंपॉर्टेंट है, इसको भी जैसे बताएंगे आप तैयार कर लीजिए कि हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, जब यहाँ पे हु रहता है और पैसिव वॉइस में चेंज करना रहता है तो हु को किस में चेंज करेंगे, बाई होम में, किस में चेंज होता है ये हु, बाई होम में, तो यहाँ पे लिखिए बाई होम हो गया, ठीक है, ये बाई होम खाली रहेगा बाई होम। फिर इसके बाद एक टाट है तो इसके साथ में क्या लगता है, तो आप सभी को पता है कि वाज लगेगा, वाज लगाने के बाद अब देखिए यहाँ से क्या पकड़ेंगे, यहाँ से चाहे इंग्लिश को पहले कर लीजिएगा चाहे यू को पहले कर लीजिएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश को पहले कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा इंग्लिश इंग्लिश। अब इसके बाद आप वर्ब लगा दीजिए, टाट है तो टाट लगा दीजिए, टी ए यू जी एच, टी है तो टाट लगा दीजिए, ठीक है, टाट हो जाएगा। और इसके साथ में क्या लगेगा, टू लगाइएगा, टू यू, इसमें बाई नहीं लगता है, बाई इसलिए नहीं लगता है कि स्टार्टिंग में ही बाई होम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बाई लगेगा, बाई होम वाज इंग्लिश टाट टू यू, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। इस तरह चेंज करके आते हैं टोटल दो नंबर आपको मिल जाएगा। अगला देखिए सी नंबर का जो क्वेश्चन है कि पंक्चुएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सिखाएंगे इस तरह सीख लीजिए, आपको कोई भी पंक्चुएशन रहेगा आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या रहता है कि आपको कुछ करना नहीं, बस यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा कहाँ पे लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगेगा, कौन सा लेटर कैपिटल में होगा, कौन से स्मॉल में होगा, इन्हीं सभी को ध्यान दिया जाता है। जैसे देखिए ही रोड आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल, देखिए इसको चेंज करिए, देखिए पहले लेटर हमेशा कैपिटल में रहता था, यहाँ लगाइए कैपिटल ही कर दीजिएगा, फिर इसके बाद रोड लगाइएगा आर, ठीक है, जैसे लिखा है रोड, फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा, फिर जैसे ही इन्वर्टेड कामा के लिखेंगे पहला लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा, आई लिखिएगा, आई के बाद कैन, ठीक है कैन, और देखिए यहाँ पे जो ये दोनों साथ में लिखा है ना, तो यहाँ पे एक कामा इस तरह होगा और यहाँ पे लगाइए कैन नॉट, इस तरह, ठीक है, इसको भूलिएगा मत, कैन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा कम कम, यहाँ पे बिकाज बिकाज, फिर इसके बाद देखिए हमेशा आई जो होता है कैपिटल में रहेगा, तो आई एम इल फुल स्टॉप, और यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, इन्वर्टेड कामा, इस तरह बंद कर दीजिएगा, ये इसका क्या हो जाएगा पंक्चुएशन, इस तरह आपको करना रहेगा, ठीक है। यदि आप इस तरह जैसे बताएं इस तरह लिख के आते हैं तो पूरा इस पर दो नंबर आपको इस पर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है डी वाला कि ट्रांसलेट टू फॉलो इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना रहता है। ये आपके सामने कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ था। तो इसको अभी आपको ट्रिक से आपको बताया था कि कैसे इसको इंग्लिश में चेंज करना है, आप सभी को बता चुके हैं, अभी तक नहीं देखें उन सभी वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके आगे आपको क्वेश्चन है लिटरेचर से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 5, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच, मैंने प्रत्येक का देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, ये आपके बुक का है, सभी बुक पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो आपको क्या करना रहेगा 30 से 40 वर्ड में इन सभी प्रश्नों का आंसर देना रहता है। ओ आर लिखा है तो ओ आर का मतलब होता है इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर आपको बोर्ड के एग्जाम में देना रहेगा। देखिए इसी प्रकार से आपका अगला नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट, ठीक है, ये भी दो प्रश्न यहाँ पूछा है अथवा करके ये पूछा एक ही, इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर आपको बोर्ड के एग्जाम में देना है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में देना है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन ए और बी पूछा, इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर आपको देना रहेगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, एक क्वेश्चन का देते हैं, टोटल 4 नंबर इस प्रश्न पे आपको मिलता है। देखिए व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड, या हाउ डिड
मंडेलाज आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये दो प्रश्न, इन दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। अगला देखिए, मेंशन ऑफ फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन जू एंड टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड। आप इसके बारे में 40 वर्ड लिखेंगे तब 3 नंबर मिलेगा, या अथवा में करके देखिए, ओ आर करके दिया है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पोयम की 4 लाइन आपको लिखना रहेगा, जो इस आपके प्रश्न पत्र पे ना आया हो तो आप 4 लाइन का आप कहेंगे कि आप इस प्रश्न को करने से बढ़िया है कि आप 4 लाइन का सिर्फ पोयम याद कर लीजिए, आप उस पोयम को लिख के चले आइएगा, आपको टोटल 3 नंबर उस पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम इन 40 से 50 वर्ड में देना, ये भी 3 नंबर का। इस तरह आप 3 पोयम का देता है, शीर्षक देता है, उस पर आपको क्या करना रहता है कि सेंट्रल आइडिया आपको लिखना रहता है। आपको सेंट्रल आइडिया करा चुके हैं, अभी तक उस सेंट्रल आइडिया को नहीं देखे हैं तो जाके देख के उसे याद कर लीजिए। आपको 3 सेंट्रल आइडिया कराए, उन तीनों में से एक 100% आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिया है पोयम, इसका क्या करना है कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहता है। सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका भी आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30-40 वर्ड, ये भी 3 नंबर का रहेगा। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिया, 2 में से एक ही करना है, आपको बता चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। या इसके बाद व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव कुड ही डू डेट, इसका आंसर दीजिए। दोनों में से किसी एक का आंसर आप दे सकते हैं। अगला है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको क्या करना रहेगा, इसका भी आंसर देना। यहाँ भी 2 प्रश्न पूछा है, 2 में से एक का आंसर, ए और बी में से 2 में से किसी एक का आंसर आपको देना रहेगा। ठीक है, आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, प्रश्न को तैयार कर लीजिए। जितने भी प्रश्न बताएं सभी एक प्रकार का कदम आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही था, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में से आप देखते होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बताएं, इनडायरेक्ट में चेंज करना, पैसिव पंक्चुएशन बताएं, उसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। आपको ये तीनों टॉपिक से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। जिन प्रश्नों को बताएं इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए, आपको बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।